गाइज वेलकम बैक, मैं आपका दोस्त आ गया हूँ टिकटॉक के एक और वायरल वीडियो के ट्यूटोरियल को लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, इस समय एक लड़की टिकटॉक पे कुछ इस तरह करके काफ़ी तेज़ी से वायरल चल रही है। जबकि दोस्तों इसी लड़की के एक वीडियो को टीवी में फिक्स करके दोस्तों टिकटॉक पे अपलोड किया गया है, जो वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जैसा कि वीडियो स्टार्टिंग में आपने देख ही लिया है। तो गाइज अगर आप इस तरह का वीडियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इस तरह का वीडियो बनाकर दिखाने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आप अपने वीडियो को किसी भी टीवी में लगा सकते हैं और दोस्तों सबको चौंका सकते हैं। तो गाइज वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस तरह के वीडियो बना के टिकटॉक पे अपलोड कर सकें। और नए मेहमान हैं चैनल पे, पहली बार आए हैं, आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली वीडियोस कहीं आपसे छूट न जाए। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपके फोन में एक एप्लीकेशन होना चाहिए, जिसका नाम है काइन मास्टर। और दोस्तों आपको एक फुटेज वीडियो चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइड सीधा चलते हैं काइन मास्टर में, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों काइन मास्टर ओपन करने के बाद प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से 16 और 9 का आपको एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करना है। दोस्तों वीडियो की एडिटिंग थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको मीडिया ब्राउजर पर जाना है, बैकग्राउंड फोल्डर पर क्लिक करके कोई भी एक बैकग्राउंड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, इस तरह से खींच के इसको 10 से 12 सेकंड 15 सेकंड रख देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको उस वीडियो को सेलेक्ट करना है, जिस वीडियो को दोस्तों आपने डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड की थी। तो गाइज यहाँ से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाने के बाद आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसको फुल स्क्रीन कर देंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं टीवी के ऊपर एक ग्रीन स्क्रीन है, उसको हटाने के लिए वीडियो को सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको जाना है क्रोमा की में, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। और दोस्तों इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके आप इस तरह से अच्छे से मैच कर सकते हैं, ताकि दोस्तों यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन अच्छे से हट जाए। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों इसी पोजीशन पे आपको अपने वीडियो को सेलेक्ट करना है, जिस वीडियो को दोस्तों आप इस टीवी के अंदर लगाना चाहते हैं। तो गाइज यहाँ से आपको लेयर में जाना है, मीडिया में जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने उस लड़की के वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है। गाइज यहाँ पे हमारा वीडियो आ गया है। अब दोस्तों इस वीडियो को आपको इस तरह से पहले बड़ा कर देना है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। बड़ा करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको डिलीट के नीचे 3 डॉट पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों आपको सेंड टू बैक कर देना है। अब गाइज यहाँ पे आप इसको अच्छे से यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितना बड़ा दोस्तों आपको अपने वीडियो में यहाँ पे रखना है, इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं। उसके बाद गाइज बीच वाले वीडियो पे क्लिक करेंगे, लास्ट पोजिशन पर जाएंगे, यहाँ पे आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कैंची पे जाना है, ट्रिम टू राइट और प्लेट करके काट देंगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं वीडियो के लास्ट पोजिशन पे आपका दोस्तों वीडियो टीवी के हाफ साइड में चला गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो गाइज ऐसा ना हो, इसको रोकने के लिए आपको लड़की वाले वीडियो पे क्लिक करना है, यानी आपको अपने वीडियो पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे आपको डिलीट के ऊपर चाबी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और दोस्तों वीडियो को धीरे धीरे स्लाइड करके इस तरह से आपको देख लेना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं राइट साइड में आपका थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है, तो यहीं पे आपको प्लस पर डॉट देना है और इस वीडियो को दोस्तों आपको खींच के इस तरह से सही से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर से थोड़ा स्लाइड करेंगे, फिर से यहाँ से प्लस पर डॉट देंगे, फिर इस वीडियो को दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना। और गाइज यहाँ पे आप थोड़ा इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, ताकि टीवी के अंदर ये फुल स्क्रीन रहे। उसके बाद अगेन इस तरह से थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पोजीशन पे, यहाँ पे प्लस पे डॉट देंगे। इस वीडियो को दोस्तों आपको फिर से खिसका के इस तरह से कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इस तरह से गाइज, ताकि ये टीवी के अंदर अच्छे से वीडियो दिखने लगे। उसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। तो गाइज इस तरह से आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आपका वीडियो एकदम परफेक्ट तरीके से दोस्तों यहाँ पे टीवी में लग चुका है। गाइज इसी तरह से आप लड़की का या अपना वीडियो लगा सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप वीडियो कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो को सेव और शेयर करने के लिए आपको शेयर बटन पर क्लिक करना है, 720 और 30 रखने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देंगे।